हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश 1 स्टैंडर्ड 7। हियर इज अ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल्स। रीड एक्टिविटी 1। ये इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। Just first read the story to yourself, mark any words you don't understand, use a dictionary to internet or your classmate who know the help you understand each word and idea in the story. But I will giving you the new words after this story. Emperor Akbar was a great and wise ruler and he had 5 advisors in his court. Emperor Akbar, yani jo Emperor Akbar the wo great and wise ruler mahan और बहुत समझदार राजा थे। एंड ही हैड फाइन एडवाइजर, उनके कोर्ट में फाइन एडवाइजर यानी उनको एडवाइस देने वाले बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजर्स थे। बट द वाइसेस्ट ऑफ दीज वॉज बीरबल। अब जितने भी उनके एडवाइजर थे उन सब में सबसे वाइसेस्ट यानी सबसे समझदार कौन था? बीरबल। वेन एवर द एम्परर थॉट ऑफ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल ही टर्न टू बीरबल। जब कभी भी एम्परर को कोई भी कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम या पजल या किसी वैसी प्रॉब्लम में पड़ते थे तो वो किससे पूछते थे? ही टर्न टू बीरबल। वो हमेशा बीरबल की तरफ ही मुड़ते थे, वो बीरबल से ही पूछते थे। वन मोर टाइम, एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर एंड ही हैड फाइन एडवाइजर इन हिज कोर्ट बट द वाइजेस्ट ऑफ दीज वॉज बीरबल। व्हेन एवर द एम्परर थॉट ऑफ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल ही टर्न टू बीरबल। यानी एम्परर अकबर एक महान और बहुत होशियार राजा थे और उनके कोर्ट में यानी उनके दरबार में बहुत फाइन एडवाइजर्स थे, पर उन सब में सबसे वाइसेस्ट यानी सबसे होशियार कौन था? बीरबल। और जब भी एम्परर अकबर को कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो बीरबल से ही उसको सॉल्व करवाते थे। मार्च, एम्परर अकबर वॉज स्टॉलिंग इन हिज कोर्टयार्ड। ही हैड जस्ट कम्प्लीटेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही वॉन्टेड अ लिटिल अम्यूजमेंट। तो क्या एक बार मार्च में एम्परर अकबर जो थे वो स्टॉलिंग यानी रिलैक्सिंग मूड में आराम से टहल रहे थे इन हिज कोर्ट यार्ड यानी अपने अपने किसी पार्ट में यानी उनके जो महल था उनका जो कैसल था उसके किसी पार्ट में। ही हैड जस्ट कम्प्लीटेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। वो जस्ट इन द ईस्ट, वो ईस्ट से एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन यानी कि ईस्ट से कोई लड़ाई जस्ट जीत कर आए थे। एंड ही वॉन्टेड अ लिटिल एम्यूजमेंट, और वो थोड़ा क्या चाहते थे? एन्जॉयमेंट, थोड़ा आनंद चाहते थे। उस टाइम पे लोग एन्जॉय करने के लिए क्या क्या करते थे वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। सडनली ही टर्न टू हिज कोर्टियर एंड सैड। अचानक क्या मार्च यानी धीरे धीरे चलते हुए रिलैक्स मूड में बात करते हुए अचानक से उन्होंने क्या किया? ही टर्न टू हिज कोर्टियर, क्योंकि जब वो घूम रहे हैं तो उनके साथ में आप देख सकते हैं उनके कोर्टियर्स यानी उनके दरबारी उनके साथ में हैं। तो उन्होंने अपने कोर्टियर्स से पूछा एंड सैड, कहा, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू क्वेक फॉर योर एम्परर्स मुश्टैग। मुश्टैग यानी मूछ। तो उन्होंने क्या पूछा अपने दरबारियों से कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए किसी के लिए हु डेयर, जो कि हिम्मत करे टू ट्वेक योर एम्परर्स मुश्टैग, आपके एम्परर की मूछों को जो मरोड़ दे या उनको परेशान करे, उनकी मूछों को मरोड़ दे, ऐसी हिम्मत करने वाले के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? द कोर्टियर वॉर वेयर सॉक्ड। जो कोर्टियर्स थे वो सब सॉक हो गए एट द थॉट। ये सोचते सब कोर्टियर तो ये सोचते ही सब सॉक हो गए। ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग, यानी जो कोई बहुत ही महाशैतान क्रिमिनल होगा वो ही ऐसी हिम्मत कर सकता है किंग को टच करने की। कौन? जो कि बहुत ही बड़ा कोई क्रिमिनल होगा वो ही किंग को टच करने की हिम्मत कर सकता है। शहबाज खान स्पोक अप। जो उनके कॉर्टियर्स थे ये सब उनके नेम हैं, तो शहबाज खान स्पोक अप। शहबाज खान बोले, माई लॉर्ड This villain should be mercilessly flogged to death. शहबाज खान ने बोला, माई लॉर्ड, ऐसे पर्सन को जिसने कि
ऐसा काम किया है, यानी ऐसा विलेन, यानी विलेन का मतलब तो आपको पता ही है, इनका यहाँ पे विलेन क्रिमिनल से है। माई लॉर्ड, शहबाज खान ने बोला, माई लॉर्ड दिस विलेन शुड बी मर्सीलेसली, यानी कि मर्सीलेसली यानी बिना किसी दया के, बिना किसी काइंडनेस दिखाए हुए फ्लॉक टू डेथ, यानी उसको स्टिक से या कोड़े मारे जाए। तो क्या बोला उसने शहबाज खान ने कि माई लॉर्ड दिस विलेन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉक टू डेथ, उसको बिना किसी दया के उसको स्टिक से या फिर कोड़ों से उसको मारा जाए जब तक कि वो मर ना जाए। बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू योर ऑनर सैड मुल्ला दो प्याजा। तो उनके अदर कॉर्डियर ने क्या बोला, बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू मीन्स बी हेड यानी कि कट ऑफ मीन्स उसका सिर काट देना चाहिए सब पब्लिक के बीच में। योर ऑनर सैड मुल्ला दो प्याजा, उनके अदर कॉर्डियर मुल्ला दो प्याजा ने बोला कि उसका सर घर से अलग कर देना चाहिए पूरी पब्लिक के बीच में। द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फॉर द फोर्ट और बी हैंग सैड सादी सा। कि सादी सा ने क्या बोला, द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग सैड सादी सा, यानी उनके जितने भी कॉर्टियर्स थे सबका एक ही था कि कैसे भी उसको अलग अलग तरीके से उसको मौत की सजा देनी चाहिए। द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट, यानी विलन को फोर्ट से या किले से नीचे गिरा देना चाहिए या फिर हैंग या फिर लटका के या फांसी लेके मार देना चाहिए। किसने बोला, सादी सा ने। एंड यू वीरबल, लास्ट में शाहजहां ने किससे, एम्परर अकबर ने किससे पूछा, बीरबल से। एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, आस्क द एम्परर। बीरबल से उन्होंने पूछा कि जो ऐसा ऑफेंडर यानी ऐसे अपराध की क्या सजा होनी चाहिए, तो बीरबल क्या बोलता है, फिर हम ये सुनते हैं। साय आलम सैड बीरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। बीरबल ने धीरे से बोला, साय आलम आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, मैं उसको कुछ स्वीट्स दूंगा। द अदर कॉर्टियर गैप्ड एट बीरबल, हैड ही गॉन मैड। सभी जो कॉर्टियर्स थे वो बीरबल को एकदम देखने लगे और सोचने लगे, हैड ही गॉन मैड, क्या ये पागल हो गया है, स्वीट फॉर सच अ क्राइम, क्या क्राइम के लिए कोई किसी को स्वीट देता है, मिठाई देता है। श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग, उनका सोचना था कि श्योरली दिस टाइम इस बार बीरबल कैसा होगा, रॉन्ग यानी गलत प्रूव होगा। सभी कॉर्टियर को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, दे आर सरप्राइज्ड, हैड ही गॉन मैड, क्या ये पागल हो गया है, स्वीट फॉर सच अ क्राइम, क्या एक क्राइम के लिए सच में हम स्वीट देना चाहिए। श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग, श्योरली इस बार बीरबल गलत है। अकबर फ्राउन, डिड आई हियर यू राइट बीरबल, अकबर ने क्या बोला, अकबर भी सोचने लगे, डिड आई हियर यू राइट बीरबल, बीरबल क्या मैंने सच सुना। ही सैड, यू कंसिडर गिविंग स्वीट टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम, क्या मैंने सच सुना। ही सैड, यू कंसिडर, क्या तुम सच में इस ये पनिशमेंट तुम्हें राइट लगती है इस क्राइम के लिए। ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, बीरबल ने बोला, सिर्फ इस केस में मैजेस्टी। सैड बीरबल हमली, बीरबल ने अच्छे से नम्रता से आंसर दिया, ओनली दिस केस योर मैजेस्टी, बिकॉज हु एल्स बट योर बिलोव्ड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विद द किंग ऑफ किंग्स। क्या बोला बीरबल ने, कि बिकॉज हु एल्स, किसके, सिर्फ उनके बिलोव्ड यानी उनके प्यारे ग्रैंडसन के अलावा और कौन ये लिबर्टी ले सकता है, और कौन ऐसा काम कर सकता है किंग्स ऑफ किंग यानी राजाओं के राजा का मुस्टेक ट्विक करने का लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ उनका प्यारा ग्रैंडसन कर सकता है, और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग, अकबर जोर जोर से हंसने लगे। यू आर राइट अगेन बीरबल, बीरबल तुम फिर से सही हो, इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्विक्ड माय मुस्टेक दिस वेरी इवनिंग। उन्होंने बोला, अकबर तुम बिल्कुल सही हो, बीरबल तुम बिल्कुल सही हो, इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल, हाँ वो वही नन्ना शैतान
जिसने मेरी मूछों को ट्विक किया दिस वेरी इवनिंग, आज ही इवनिंग में। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। नाउ हियर इज सम न्यू वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी। पजल, पजल क्या होता है? एज यू नो वेरी वेल, अ गेम एक्सेट्रा दैट वन हैज टू थिंक अबाउट केयरफुली, आंसर इट और डू इट। यानी जैसे हम किसी से पहले भी पूछते हैं तो वो उसका आंसर्स देते हैं, या एक गेम। एडवाइजर, वन हु एडवाइजेस, यानी एडवाइजर वो पर्सन जो कि हमें एडवाइस देता है। प्लेजेंट यानी एंजॉयबल, जिस चीज प्लेजेंट यानी एंजॉयबल, जिसको हम एंजॉय करते हों। टू स्ट्रॉल, इसमें स्टोरी में ये सारे वर्ड्स यूज किए हुए हैं। टू स्ट्रॉल, टू वॉक इन अ रिलैक्स, जब हम रिलैक्सिंग मूड में धीरे धीरे आराम से चलते हैं तो टू स्ट्रॉल। अम्यूजमेंट यानी फन। टू ट्विक, टू पुल और ट्विस्ट सडनली। मुस्टैक, मुस्टैक तो मैंने बताया आपको मूछ है, इसको क्या बोलेंगे? अ लाइन ऑफ हेयर ग्रोन ऑन अपर लिप्स। टू फ्लॉग, टू डेथ, जो कि उनके कॉर्डियर ने पनिशमेंट बताई थी वही, टू फ्लॉग टू डेथ। हिटिंग विद अ व्हिप और स्टिक टिल डेथ, व्हिप यानी कोड़े मारना, जो रस्सियों से वो मारते थे पहले, हिटिंग विद अ व्हिप या फिर स्टिक, स्टिक से मारना जब तक कि डेथ ना हो जाए। मर्सीलेसली यानी विदाउट मर्सी, काइंडनेस बिना किसी दया के। टू पी हेड यानी टू कट ऑफ हेड एज अ पनिशमेंट, बी हेड यानी कि किसी का सिर काट देना पनिशमेंट में। टू बी हैंग यानी टू बी किल्ड एज अ पनिशमेंट। टू फ्रॉम यानी टू बी एंग्री, गुस्सा होना। बिलॉक, वेरी लविंग या डियर। लिबर्टी यानी फ्रीडम। लिटिल वास्कल, अफेक्शनेट एक्सप्रेशन फॉर द चाइल्ड, जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं नन्ना शैतान। हियर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टोरी। नंबर वन, व्हाट वॉज ग्रेट अबाउट एम्परर अकबर्स कोर्ट, एम्परर अकबर के कोर्ट में सबसे अच्छा क्या था? देयर वॉज फाइन एडवाइजर इन एम्परर अकबर्स कोर्ट, एम्परर अकबर के कोर्ट में बहुत फाइन एडवाइजर्स थे। व्हाट वॉज ग्रेट अबाउट एम्परर अकबर्स कोर्ट, तो देयर वॉज फाइन एडवाइजर इन एम्परर अकबर्स कोर्ट। नंबर सेकेंड, व्हाट मेड एम्परर अकबर टर्न टू बीरबल, ऐसा क्या होता था जो एम्परर अकबर बीरबल की तरफ ही होते थे या उनसे ही पूछा करते थे सब कुछ? वेन एवर एम्परर अकबर एनकाउंटर्ड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पजल, सून ही टर्न टू बीरबल। क्या आंसर? वेन एवर, जब भी एम्परर अकबर किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या पजल में फंस जाया करते थे, सून ही वो जल्दी किसकी तरफ मुड़ते थे? बीरबल की तरफ। वो बीरबल पर ही डिपेंड थे अपनी सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और पजल्स के लिए। नंबर थर्ड, व्हाट क्वेश्चन डिड एम्परर अकबर आस्क हिज कोर्टियर, तो एम्परर अकबर ने अपने कोर्टियर से क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट क्वेश्चन डिड एम्परर अकबर आस्क हिज कोर्टियर, द आंसर इज एम्परर अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर दैट द वे ऑफ पनिशमेंट इफ समवन डेयर टू ट्विक हिज मुस्टैक। एम्परर अकबर ने पूछा अपने कोर्टियर से द वे ऑफ पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट दी जाए? इफ समवन डेयर टू ट्विक हिज मुस्टैक, अगर कोई उनकी मुस्टैक को ट्विस्ट करे, उनकी मुस्टैक को घुमा दे, तो ऐसी हिम्मत करने वाले को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? नंबर फोर, पिक आउट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स डेथ, यानी डेथ के लिए जितने भी पनिशमेंट उनके कोर्टियर्स ने एडवाइस की थी वो हमें बतानी है। तो आंसर, द एक्सप्रेशन शोइंग डेथ्स आर नंबर वन फ्लॉक टू डेथ, नंबर टू बी हैंड और नंबर थ्री बी हैंड। इन सबके मीनिंग मैं आपको टू टाइम्स बता चुकी हूँ। नंबर फाइव, विच वर्ड इन द टेक्स्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द क्रिमिनल, विच वर्ड इन द टेक्स्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द क्रिमिनल, कौन सा वर्ड है इस में जो कि डिस्क्राइब किया गया क्रिमिनल को, डिस्क्रिप्शन के लिए दिया गया है?
answer. The word used to describe the criminal is villain. Villain word का use किया गया इस criminal को describe करने के लिए. Number 6. The word offender is used for. तो offender word किसके लिए use किया गया? Offender word is also for a criminal, b beaver, c advisor or d king. A king, b beaver, c advisor or d criminal. तो offender word is used for criminal. Number 7. What punishment would Birbal give to the offender? According to Birbal, Birbal ने क्या punishment दी? Birbal के according क्या punishment देनी चाहिए थी offender को? उन्होंने क्या advice दिया? Birbal would give some sweets to the offender. Birbal का बोलना था give some sweets to the offender, यानी उस criminal को क्या देना चाहिए? Some sweets. Number 8. Why did other courtiers gap at Birbal? क्यों बाकी other courtiers तो gap at Birbal, Birbal की तरफ देखने लगे उसको? Answer. Other courtiers gapped at Birbal because Birbal was suggesting to give sweets to the criminal. They thought that Birbal was wrong. सभी Birbal उसको तो ऐसे क्यों देखने लगे? क्योंकि Birbal was suggesting, Birbal ने suggest किया था क्या? Give sweet to the criminal. Criminal को क्या देना? Sweets. They thought that Birbal was wrong. वो सोचने लगे कि जो Birbal है वो क्या है? वो wrong है, वो गलत है. Number 9. Why did Emperor Akbar frown? Emperor Akbar क्यों गुस्सा हुए? Answer. Emperor Akbar frowned. Emperor Akbar गुस्सा हुए because he could not think that sweets could be a right punishment for the crime. एम्परर अकबर इसीलिए गुस्सा हुए, इसीलिए एंग्री हुए बिकॉज ही कुड नॉट थिंक, क्योंकि वो नहीं सोचते थे कि स्वीट्स कुड बी अ राइट पनिशमेंट, कि मिठाई यानी कि स्वीट्स सही पनिशमेंट है, सही सजा है किसके लिए? क्राइम के लिए. फॉर ट्विकिंग हिज मुश्टैक, यानी क्राइम क्या था? उनकी मुश्टैक को ट्विस्ट करना, उनकी मुश्टैक को मोड़ना. नंबर 10. हु अकॉर्डिंग टू बीरबल कुड टेक लिबर्टी टू ट्विक द किंग मुश्टैक? हु अकॉर्डिंग, बीरबल के अनुसार कौन हो सकता है जो कि लिबर्टी है, जिसको फ्रीडम हो, जो कि किंग की मुश्टैक को ट्विक कर सके, ऐसा कौन हो सकता है? आंसर, नो वन एल्स बट द किंग्स ग्रैंडसन लिटिल रास्कल आउट ऑफ अफेक्शन फॉर हिम. कोई नहीं, सिर्फ किंग के जो ग्रैंडसन है वो ही लिटिल रास्कल यानी नन्हे शैतान, वो ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके किंग के प्रति जो उनका अफेक्शन है, जो उनका प्यार है, उसकी वजह से केवल उनको ही ऐसी लिबर्टी मिल सकती है. क्लियर? नाउ हियर मैचिंग ए विद बी एंड हियर इज आइडेंटिटी, यानी इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनके नेम दिए हैं आइडेंटिटी. आपको बताना है कि कौन से पर्सन को कौन सी आइडेंटिटी सूट करती है. नंबर 1 बीरबल, नंबर 2 मुल्ला दो प्याजा, नंबर 3 एम्परर, नंबर 4 शाहे आलम, नंबर 5 लिटिल रास्कल. वांटेड, ए वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट, बी किंग्स ग्रैंडसन, सी एड्रेसिंग फॉर द किंग, डी आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, ई A courtier in Akbar's court. F. Flock to death. So Birbal. Birbal का क्या आंसर होगा? First, it's D. I would give him for some sweets. Birbal ने क्या बोला था? मैं उसको कुछ sweets दूंगा. Number 2. मुल्ला दो प्याजा. मुल्ला दो प्याजा के according क्या था? Second में. Yes. A courtier in Akbar's court. मुल्ला दो प्याजा कौन है? वो एक courtier है अकबर के कोर्ट में. नंबर 3 एम्परर. एम्परर कौन? वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. एम्परर क्या है? वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. जो एम्परर थे उनको क्या चाहिए था? उनको लिटिल अम्यूजमेंट यानी एंजॉय करना था उनको केवल. शाहे आलम. शाहे आलम हु? शाहे आलम, तो शाहे आलम के लिए आएगा एड्रेसिंग. शाहे आलम इज फ्लॉक. शाहे आलम इज फॉर फ्लॉक टू. शाहे आलम ने क्या बोला था कि उसको क्या करना चाहिए?
फ्लॉक टू डेथ, उनको फांसी से लगा दे, उनको मारना चाहिए जब तक कि वो। हाँ तो शाही आलम के लिए क्या था, वॉन्टेड अ लिटिल एम्यूजमेंट, किंग्स ग्रैंडसन एड्रेसिंग फॉर द किंग, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, अ कोर्टियर इन अकबर्स कोर्ट और फ्लॉक टू डेथ। शाही आलम किसको बोलते हैं, सभी कोर्टियर्स उनको एड्रेस कर रहे थे, किससे, एड्रेसिंग फॉर द किंग। सो फोर, इट्स फोर सी। फाइव, लिटिल वास्कल, लिटिल वास्कल कौन है, लिटिल वास्कल इज अ किंग्स ग्रैंडसन। फाइव बी, सो फर्स्ट डी, सेकेंड ई, थर्ड ए, फोर सी एंड फाइव बी एंड एफ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, फ्लॉक टू डेथ। नाउ हियर इज अ ट्रू फॉल्स। नंबर वन, अकबर हैड वॉन अ बैटल इन द ईस्ट, ये मिलिट्री कैंपेन वाली जो लाइन थी वहां से लिया हुआ है। तो अकबर हैड वॉन अ बैटल इन द ईस्ट, तो सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन था इसलिए डेफिनेटली दे हैड वॉन, सो दिस सेंटेंस इज राइट, अकबर हैड वॉन अ बैटल इन द ईस्ट, दिस इज राइट। नंबर सेकेंड, वेन एवर अकबर हैड एनी प्रॉब्लम ही कंसल्टेड सादी सा, नो ही कंसल्टेड विद बीरबल, सो दिस वन इज रॉन्ग। नंबर थर्ड, नो अदर एडवाइजर इन अकबर्स कोर्ट वॉज सो वाइज एज बीरबल, यानी कि जो अकबर के कोर्ट में कोई भी दूसरा एडवाइजर था वो बीरबल जैसा वाइज उनके जितना बुद्धिमान नहीं था, इट्स राइट और रॉन्ग, यस इट्स अ राइट। नंबर फोर, अकबर वॉज इन अ रिलैक्स्ड मूड, अकबर जो थे वो रिलैक्स मूड में थे, तो यस अकबर वॉज इन अ रिलैक्स मूड। बीरबल ट्विक अकबर्स मुश्ताक, क्या बीरबल ने ट्विक की थी अकबर की मुश्ताक, नो हिज ग्रैंडसन ट्विक दिस मुश्ताक, सो इट्स रॉन्ग। नंबर सिक्स, अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर द क्वेश्चन फॉर फन, अकबर ने अपने कोर्टियर से जो क्वेश्चन पूछे थे वो फन के लिए पूछे थे, यस इट्स राइट। शहबाज खान सजेस्टेड टू बी हैड द क्रिमिनल, शहबाज खान ने क्या सजेस्ट किया था, बी हैड द क्रिमिनल, नो शहबाज खान डिडंट सजेस्ट दिस, सो इट्स रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू सादी सा द क्रिमिनल शुड बी थर्न डाउन फ्रॉम द फोर्ट, यस सादी सा ने बोला था कि उसको फोर्ट से नीचे गिरा देना चाहिए, इट्स राइट। बीरबल सजेस्टेड टू गिव स्वीट्स टू द ऑफेंडर, बीरबल ने सजेस्ट किया स्वीट्स देना ऑफेंडर को यानी क्रिमिनल को, यस इट्स राइट। अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग व्हेन हिज ग्रैंडसन ट्विक्ड हिज मुश्ताक, नो अकबर जब वो हंसने लगे जब बीरबल ने उनको रीजन बताया ऑफेंडर को स्वीट्स देने का, सो इट्स अगेन रॉन्ग। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।